बिग बॉस के घर में देवोलीना भट्टाचार्य की जमकर फटकार लगाई सलमान खान ने, आखिर किसकी वजह से? तो चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू अवर चैनल। जी हाँ, देवोलीना भट्टाचार्य की जमकर फटकार लगाई है सलमान खान ने। हाल फिलहाल सैटरडे के वीकेंड के वार पर जहाँ सलमान खान तारीफ करते हैं देवोलीना की, तो वही जो आने वाले एपिसोड में है इसमें फटकार लगाने वाले हैं देवोलीना की। और यहाँ पर सलमान खान कहेंगे कि आप सोच रही हैं और आपका जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आप शमिता को टारगेट करके जो है गेम में आगे बढ़ जाओगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर चाहती हो कि मतलब आप जैसी स्ट्रैटेजीज बना कर आई हो कि शमिता को टारगेट करूंगी तो मैं ज्यादा दिखूंगी कैमरे में, तो इस तरीके से जो है ये गलत है। दरअसल यहाँ पर इस तरीके से बातचीत क्यों करते हैं सलमान खान, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर घर वालों को एक टास्क मिला होता है जहाँ पर नंबर्स के पीछे जो है एक टैगलाइन लिखी होती है और उस टैगलाइन को किसी को टैग करना होता है, यानी कि किसी को बताना होता है कि वो किसको बताना चाहेंगे, ये टैगलाइन किसको देना चाहेंगे। तो यहाँ पर देवोलीना ने शमिता शेट्टी को कीड़ा कह दिया था और जो भी उनको टैगलाइंस मिली थी वो उन्होंने शमिता शेट्टी को कही थी। वेल, जब से देवोलीना आई है ये तो गलत नहीं है कि वो शमिता को टारगेट कर रही हैं, लेकिन उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं वो काफी ज्यादा सटीक होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहें कि मेकर्स को या फिर सलमान खान को ये बात थोड़ी सी राज नहीं आई। उन्होंने जो है जिस तरीके से टारगेट किया शमिता शेट्टी को, कहीं ना कहीं सलमान खान ने जमकर फटकार लगाई है देवोलीना की, जो कि आप आज वीकेंड के वार पर देखेंगे कि किस तरीके से सलमान खान देवोलीना को डांटते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि इस तरीके से आप गेम में आगे नहीं बढ़ सकती हो और जिस तरीके से आप टारगेट कर रही हो शमिता शेट्टी को वो गलत है। आपकी क्या रिएक्शन है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए कि आपको भी ऐसा लगता है कि देवोलीना को शमिता का सहारा लेना पड़ेगा गेम में आगे बढ़ने के लिए, या फिर सलमान खान यहां पर सही हैं, तो जरूर बताइए। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।